सर ये देखिए आपको मशीन ऑन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। मशीन को इस तरीके से सेट करना है किसी बड़े अच्छे टेबल पे, और ये रहा यहाँ पे इसका मेन स्विच। मेन स्विच जैसे ही आप ऑन करेंगे, मशीन के ऊपर एक और मेन स्विच है, इसको आपको इस एमसीबी को ऑन करना है। ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको इधर वोल्टेज दिखेगा। वोल्टेज में आपको चेक करना है कि कम से कम जो वोल्टेज हो 220 के ऊपर रहे। जैसे अभी इसमें 253 है, तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तब आपको ये लीड बंद कर दें। यहाँ पे बंद मतलब ये इस तरीके से बंद रहेगी ताकि ऊपर से कुछ नहीं जाए। बाद में जब मशीन को स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको जो ऑन करना है वो है हीटर। हीटर ऑन करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है या कंट्रोलर है, इसमें आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। आपको जो सीड आपको डालने हैं उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर सेट करना है। जो ऊपर जो 36 जो दिखा रहा है वो आपके मशीन का टेम्परेचर है, और ग्रीन में जो 250 दिखा रहा है वो हमने जो सेट किया है वो टेम्परेचर। अगर आपको इसको चेंज करना है तो ये दो नंबर का जो बटन, इसमें चार बटन दिए गए, इसमें दो नंबर के बटन को दबा के होल्ड करना है। कुछ नंबर चेंज हो जाएंगे छोड़ देना है, फिर ये ऊपर नीचे जो बटन दिया इसमें से चेंज करते रहना है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको 100 टेम्परेचर रखना है तो आप यहाँ पे एक रखेंगे, 150 करना है तो आपको यहाँ पे दो करना है, 200 करना है तो यहाँ पे तीन करना है, और आपको अगर 250 रखना है तो यहाँ पे चार आना है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, ये एक पे रखेंगे तो 100 टेम्परेचर होगा जिसमें फ्लैक्स सील वॉलनट वगैरह आप डाल सकते हैं। दो करेंगे तो 150 हो जाएगा जिसमें ऑलिव कोकोनट ये सब डाल सकते हैं। तीन करेंगे 200 के लिए, और चार नंबर पे डालेंगे 250 के लिए। तो अभी यहाँ पे हमने चार डाला है, ये नंबर इससे नीचे आ सकते हैं, इससे ऊपर जा सकते हैं। तो आपने जैसे अगर ये बटन को 250 रखना है, चार नंबर पे किया, लास्ट का बटन है एंटर, फिर करना है आपको ये ओके। ये हो गया 250। मान लीजिए अगर आपको 100 करना है तो आपको क्या करना है, इसको सेकेंड नंबर बटन को प्रेस करके रखना है, होल्ड करना है, फिर यहाँ पे चार दिखेगा, छोड़ना है बटन, फिर आपको ये नीचे आके एक करना है, एंटर, फिर आपको करना है ओके। ये हो गया 70। सेम आपको 150 करना है, आपको प्रेस करना है वापस से, होल्ड करना है, ये दो नंबर पे डालना है, फिर ओके एंटर करना है, ये रहे ओके। अब ये 150 हो गया। अब मैं करता हूँ 200। सेम वापस से सेकेंड नंबर बटन को होल्ड करना है, प्रेस करके होल्ड करना है, ये चेंज हो गया, इसको तीन करना है, एंटर और ओके। ये हो गया 200। 250 करने के लिए सेम वापस से इसको होल्ड करना है, वापस से यहाँ पे इसको चार करना है, एंटर ओके। ये हो गया 250। तो इस तरीके से कोई भी टेम्परेचर जो है आपको सेट करना है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमने फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ, कम करके दिखा देता हूँ, ये रहा 100, एंटर। अभी ये 100 हो गया, ऊपर अभी दिखा रहा है वो कम हो जाएगा। तो मैंने मान लीजिए इसमें अगर जो भी मैंने सीड्स डाले जो 100 में टेम्परेचर में लगते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिए सीड्स। फिर अब ये मशीन तो ऑन है, हीटर ऑन है, उसके बाद आपको हॉपर में जो है आपका जो भी बीज होंगे वो आपको डालने हैं। वो डालने के बाद आपको मोटर ऑन करनी है। मोटर इस तरीके से ऑन होगी, फिर आपको धीरे धीरे ये बटन जो है अपना जो लीड है इसको ओपन करना है, ओपन पूरा करके छोड़ देना है। अब इसमें कोई ये नहीं है, सीड्स नहीं है, तो ये ऐसे ही हमने डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, बट नॉर्मली आपको इस तरीके से करना है। बंद इस तरीके से करना है, जब आपका पूरा जो भी आप इसमें सीड्स डालेंगे वो पूरा इसमें से ख़त्म हो जाएंगे हॉपर में से, तो आपको हीटर पहले बंद करना है। हीटर ऑफ करेंगे, मोटर तब चालू रहेगी, फिर वापस से मोटर को ऑफ करना है, फिर क्लीनिंग करने के लिए आपको रिवर्स गियर पे डालना है, और ये रिवर्स आ जाएगा तो जो भी इसके अंदर ट्यूब के अंदर जो भी फंसा रहेगा वो सब बाहर आ जाएगा, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और जैसे अगर मैं रिवर्स गियर पे डाल रहा हूँ तो ये मोटर स्टार्ट हो रही है, हो सकता है आपको ये स्टार्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि आपका वोल्टेज कम रहेगा। अभी यहाँ पे 252 वोल्टेज है इसलिए मोटर ईजी चल रही है। अगर रिवर्स डालेंगे आप, मोटर नहीं चल रही है, तो आपको ये बूस्टर बटन है इसको 2 सेकंड के लिए सिर्फ दबाना है, 2 सेकंड से ज़्यादा इसको नहीं दबाना है, बस इतना ही है।